दुनिया ने कोरोना वायरस से जंग में जितनी भी सफलता हासिल की थी, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट उस सब पर भारी पड़ता दिख रहा है। कोरोना का बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और पिछले लगभग 18 महीने बाद जहां दुनिया भर में पूरी तरीके से लॉकडाउन रीओपनिंग का बड़ा इंतजार हो रहा था और कई देश अपनी अर्थव्यवस्था के सुधरने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं डेल्टा वायरस की वजह से रीओपनिंग की योजनाएं टलती नजर आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका और बुरा असर पड़ सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन से देश इस दौरान रहने के लिए सबसे बेहतर हैं और कहां ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग ने एक वैश्विक कोविड रेजिलियंस रैंकिंग जारी की है। 53 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। रैंकिंग बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में बदलाव, वैक्सीन अभियान और लॉकडाउन की गंभीरता जैसे पैमाने ध्यान में रखे गए हैं। इस रैंकिंग में सबसे ऊपर 80.1 अंकों के साथ नॉर्वे है। जिन देशों में वैक्सीन अभियान अच्छा चला उन्हें फायदा मिला है। कोरोना की शुरुआत में ढिलाई करने वाले जो देश रहे वो नुकसान में दिखते हैं। रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने लगाई है बड़ी छलांग। भारत को 53 देशों में से मिला है 42वां स्थान। दुनिया में वैक्सीन और रीओपनिंग के मामले में शुरुआत करने वाले अमेरिका और इजराइल जैसे देश कुछ समय पहले तक अच्छी रैंकिंग के साथ मौजूद थे, लेकिन डेल्टा वायरस के नए इन्फेक्शन बढ़ने के साथ ये देश रैंकिंग में पिछड़े हैं। अगस्त में यूरोप के देश मध्यम मार्ग की रणनीति के साथ कोरोना से सबसे अधिक बचाव की स्थिति में थे। इस कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में टॉप 10 में 9 तो यूरोप से ही हैं। कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में नॉर्वे टॉप पर है। उत्तरी यूरोपीय देश नॉर्वे में कुल 60% आबादी को टीका लगा और मृत्यु दर भी कम है। साथ ही वैक्सीन पाए यात्रियों के लिए अब बॉर्डर भी खोल दिया गया है। कोरोना से कम मृत्यु दर और जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाने के कारण नीदरलैंड्स और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन बाकी सभी जगह लगभग डेटा का एडवांस स्वरूप बहुत तेजी से फैला है, जिससे निपटने की सारी रणनीति ध्वस्त होती दिख रही है। कोविड रेजिलियंस रेटिंग में सबसे नीचे के देशों में अधिकतर भारत जैसे विकासशील देश हैं, जो कोविड वैक्सीन के रोल आउट को लेकर जूझ रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ओर ध्यान खींचते हुए इसे मानवता के लिए शर्मनाक बताया था। कोविड रेजिलियंस रेटिंग में सबसे नीचे हैं थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। जापान से लेकर साउथ कोरिया तक, जहां सोशल कंप्लायंस पर ही भरोसा किया गया, तो चीन और वियतनाम ने जहां सख्त नियम लागू किए, हर अप्रोच को डेल्टा वेरिएंट चुनौती दे रहा है। अब केवल इस महामारी के खत्म होने पर ही ज्यादातर की उम्मीदें टिकी हैं।